जहाँ से आपको पूरा सोलन नजर आएगा। ये देखो आप, सामने आपको आएगा, यह है बड़ौ टनल हमारी, जो नई फोर लेन वालों ने निकाल रखी है ना आपके कालका शिमला वाली, ये वाली है टमाटर की खेती की है, बहुत ही अच्छी भाई सच में, बहुत ही क्या खूबसूरत। देखो तो सामने। तो गुड मॉर्निंग सभी को, आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं सोलन की हिडन प्लेस है जो हमारा सोलन का, उसको एक्सप्लोर करने। तो मैं और खुशी रेडी हो गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करें पापा, सब्सक्राइब, हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, हेलो। तो दोस्तों जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं उस रास्ते का नाम है सोलन टैंक रोड। ये सोलन का टैंक रोड है जो आपके सरकारी हॉस्पिटल से ऊपर को आगे की ओर निकल जाता है। हेलो और खुशी हेलो बोल रही। और अभी जा रहे हैं हम प्लेसिंग यहीं पे पास में, आप लोगों को भी ले चलते हैं। और ये देखो ये टैंक रोड, यहाँ का टैंक रोड क्यों बोलते हैं आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों ये वाला चला जाता है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, PFO को, ये वाला रोड जहाँ से वो लेडीज़ आ रहे हैं। और ये वाला चल जाता है सीधा आपका टैंक रोड आगे आगे। टैंक रोड क्यों बोलते हैं, टैंक रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी के बहुत बड़े बड़े टैंक हैं और जिससे पूरे सोलन को सप्लाई होती है। तो यहाँ पे ना एक आपको शॉप मिलेगी आखिरी जो टैंक रोड में, क्योंकि जो ये वाला रोड जाता है आपका लेफ्ट साइड वाला, ये टैंक रोड को ज़्यादा जो यहाँ पे टैंक के पानी के बड़े बड़े जहाँ सप्लाई होती है, और ये वाला रोड दमरोग को जाता है। तो हम आज दमरोग वाले रोड पे जाएंगे और आगे देखेंगे हमारे को क्या कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मिलता है। और एक जगह तो इंटरेस्टिंग उन्होंने भैया ने मेरे को बताई जो शॉप वाले, यहाँ से अपने खाने पीने को ले सकते हैं, हमने ले लिया खुशू के पास है, इनसे पूछ सकते हैं आप और आपको बता दें कि आगे बहुत अच्छी जगह है, 10-1 मिनट का रास्ता होगा। दोस्तों ये वाला जो जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं ये सीधा ये आपको जाता है जटोली को, जटोली मंदिर को भी आप यहाँ से जा सकते हो। और जो पीछे से था यहाँ पीछे से ऊपर को वो वाला रोड था हमारा टैंक रोड को, हमने टैंक रोड तो क्या करना है क्योंकि टैंक तो मैंने आपको बता ही दिए, टैंक रोड को तो हम नहीं जाएंगे, हम आगे आगे निकलेंगे, आगे आगे से निकलेंगे। और खुशी आपको दिखा रही कि मेरे देखो चिज्जी ले रखी है और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है तो कहीं कहीं बीच में धूप पे बट शांत वातावरण है, इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है यहाँ के। देखो तो यहाँ के क्या देखता हूँ मैं, ये देखो ओ ये गिरा दिया खुशू ने अपना इसका पैकेट, ओ रे मेरे दद्दू ले ये गिरा देती है अपना, ये मैं बात करता हूँ। देखो कितना अच्छा यहाँ पे कवर किया है, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है सामने का। यहाँ नीचे पता नहीं क्या, अब हम चढ़ नहीं सकते ऊपर को, चढ़ने की कोशिश करेंगे हम यहाँ से। और देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है सब सामने का, देखो तो बादल भी कितने अच्छे हैं और ये सामने गांव। यहाँ पे गाइस देखो थोड़ा रोड नैरो है ना, ये जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है निकालने में, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही पासिंग देने में इनको अंकल को। यहाँ पे हमने लिया है टी टाइम बोलो चाहे कुछ ही बोलो, खुशू खाने लगी है, देखो उसको खाने को भी लिया हुआ था मैं यहीं पे ना, और इसने अपने जूते वगैरह भी खोल के यहीं रख दिए और हम यहाँ बैठे हुए। और जो सामने का नज़ारा है ना भाई बहुत ही खूबसूरत, इस प्लेस की बात कर रहा था मैं, ये देखो आप जहाँ से आपको पूरा सोलन नज़र आएगा, ये देखो आप सामने आपको आएगा जो सत्संग वाले हमारे सोलन के ब्यास हैं ना उनका, ये सामने है यहाँ पे भवन बोलो, तो पूरा सोलन नज़र आएगा आपको यहाँ पे, ये देखो। और जो सामने आपको रुको मैं आपको दिखाता हूँ, जूम नहीं होगा ना अभी, इतना जूम नहीं होगा, जहाँ पे हरी सी बिल्डिंग के ऊपर ना ये आपको टनल दिखाई देगी, बड़ौ टनल है ना जो हमारी, ये वाली बड़ौ टनल है हमारी, ये जाएगी और आगे निकल जाएगी और पूरी सोलन यहाँ से नज़दीक दिखाई देगी, बाईपास ले लो आपका कुछ भी ले लो सब कुछ दिखाई देगा। तो मैं जूम करता हूँ ना, ये देखो थोड़ी सी आपको दिखाई देगी, ये है बड़ौ टनल हमारी जो नई फोर लेन वालों ने निकाल रखी है ना आपके कालका शिमला वाली, ये वाली है फोर लेन, वो थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया था ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। और एक ग्रीन बिल्डिंग ना बहुत अच्छी लगती है यहाँ से देखने के लिए, तो क्योंकि हम टॉप में है ना जैसे, तो इस टॉप में कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ है ना सामने की, और सोलन ऐसा लगता है जैसे हमारी मुट्ठी में है बस, सिर्फ इतना डाउन में सोलन, ये देखो आप।
कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, ये बताओ आप कैसा लग रहा है? हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। अब बताओ आप, लो क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है आपको? बात ही नहीं करता, बोल मैं भी खाने में बिजी हूँ। मम पिएगा? मम मम ऊपर ना बच्चे खेल रहे ना यहाँ पे, तब दिख रही है ऊपर कोई छोटे छोटे से बच्चे। मेरे को खिला दो, पापा को कैसे खिलाओगे? खिला दो पापा को, पापा को नहीं खिलाओगे? चलो ठीक है रहने दो, अच्छा लो खिला दिया। ओ टूट गया, रहने दो गिर गया वो नीचे, रहने दो। हेलो करो सबको आप, हेलो कैसे हैं आप सभी? तो बहुत अच्छा लग रहा है यार सच में, ये देखो इसको लग रहा है बहुत अच्छा, चोटी होती बच्चे को सबको। वहाँ से हम आगे हैं जहाँ हम अभी बैठे थे पीछे, जहाँ से आपको पूरे सोलन का नज़ारा देखने को मिला पीछे, और अब हम अब आगे आगे जा रहे हैं। यहाँ से आपको जो टोली सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, और सामने का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, और धीरे 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 अब बारिश का मौसम हो रहा है। ये बारिश आएगी, क्यों खुश हूँ? बारिश आएगी अभी, तो हम थोड़े से आगे जाएंगे। आई होप आपको ये नज़ारा बहुत अच्छा लगा होगा सोलन का, जिसमें पूरी सोलन नज़र आई होगी। अब देखो आगे 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 से गाड़ी आ रही है। यहाँ पे हमारे को देखने को मिली है अरबी, और अरबी के पत्ते, इसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, और साथ में मक्की भी लगी है। देखो मक्की का पौधा ये वाला, और साथ में घिया की बेल, ये ऊपर को जा रही सड़क के साथ ही लगा रखी किसी ने। और आज आप नेचर को फील कर सकते हैं, हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा है ना, क्योंकि आपको शोर शराबा, ये वाला जो पेड़ है ना, ये पेड़ है आपका अखरोट का, जो ये वाला पेड़ आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला पेड़ है आपका आड़ू का, और ये सामने जो सूखा पेड़ है ना, उससे पल्ले वाला पेड़ है जो, उसके साथ में ये खुमानी का पेड़, और नीचे है मक्की के खेत। तो ना ये डॉगी दिखाई दिया, तो उसने अपने पास से ये चिप्स है ना जो खा रही है, इसने इनको भी दे, इसको भी दे दिया, खा लेना। शाबाश 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 पीटू, हमारे पास भी घर में पीटू है, देख सारे खा रहा है। अच्छा अब हम के मम होगा, चल हमारे साथ आ जाओ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डमरोग, जो सोलन का हिडन प्लेस है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये देखिए सामने डमरोग गांव है, टमाटर की खेती की है, बहुत ही अच्छी भाई सच में, बहुत ही क्या खूबसूरत। देखो तो सामने, सोलन को लाल टमाटर भी बोलते हैं, आजकल हमारे टमाटर की खेती होती है, टमाटर का सीजन होता है। अब हम पहुँचे हैं डमरोग, ये डमरोग है यहाँ का नाम, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत कम लोग जानते होंगे शायद डमरोग के बारे में, जिनको पता। नीचे देखो टमाटर की क्रेटें रखी है, और बहुत यहाँ पे मतलब आपको नेचर से जुड़ी हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे जो ये जगह है इसके बारे में और लोगों को पता लग सके। देखो यहाँ पे मक्की लगा रखी है, और खीरे लगा रखे हैं, और बहुत कुछ लगा रखा है अंदर भी इसमें खेतों में ना, ये देखो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये देखो गोभी लग के पौधे, देखो नीचे कितनी अच्छी गोभी लगी हुई ना, और एक आमने सामने ना पत्थरी पत्थर, और पत्थरों के बीच में खेत बना रखा है सारा। सब्जी देखो कितनी अच्छी सब्जी लगी हुई यहाँ पे,